आज हम एक ऐसे महान संत का पर्व मना रहे हैं जो भारत देश में आए और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर यहीं के बनकर रह गए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज संत जॉन डी ब्रिटो का पर्व मनाते हैं। संत जॉन डी ब्रिटो का जन्म 1 मार्च 1647 में पुर्तगाल देश में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने जेसुइट संस्था में प्रवेश किया और वहां एक पुरोहित बन गए। सन 1673 में वे भारत देश मिशन कार्य करने के लिए आए और यहां आकर वे भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी वेशभूषा, रहन सहन को बदल दिया और एक भारतीय सन्यासी के समान अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने भारत देश में आकर अपनी सेवाएं गोवा और केरल राज्य में दी, लेकिन अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य पल उन्होंने तमिलनाडु के मदुरई मिशन में बिताए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के 14 वर्षों में मिशन कार्य किया और वहां की भाषा सीखकर लोगों को प्रभु का वचन सुनाने लगे। संत जॉन डी ब्रिटो को अरुल आनंदर के नाम से भी जाना जाता है। उनके वचनों को सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए और क्रिस्त विश्वास में दृढ़ बनने लगे। यह बात जब राजा को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने संत जॉन डी ब्रिटो को देश निकाला दे दिया। इसीलिए संत जॉन पुनः पुर्तगाल चले गए, लेकिन उन्हें भारतीयों का प्रेम और अपने सेवा कार्य की कमी महसूस होने लगी। इसीलिए सन 1691 में वे पुनः भारत आए और अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही भक्तिमय और साहस भरा था। अपने मिशन कार्य के दौरान उन्हें बंदी बनाया गया। वह एक दर्द भरा दिन था जब संत जॉन डी ब्रिटो को ओरियूर नामक गांव ले जाकर मृत्यु दी गई। उन्हें संत योहन बपतिस्ता के समान सर काटकर मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सर काटने की वजह से जो लहू बहा था, उस लहू के बहने से वहां की मिट्टी लाल हो गई और आज भी हजारों में लोग उस जगह पर जाते हैं और कई सारे लोग उस मिट्टी से चंगाई प्राप्त करते हैं। संत पापा पियूस 12वें ने सन 1947 में जॉन डी ब्रिटो को संत घोषित किया। तो आइए, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपना जीवन मिशन कार्य के लिए समर्पित करते हुए ईश्वर से आशीष मांगें।